ये मजबूत से कुछ भी ना है, कुछ नहीं खू गया उड़ा रोचक है। बड़े बुजुर्ग खड़े हैं सारे, एक बात कहूंगा, हरियाणा में बज गया बैंड और बाबू बेटे कर देंगे दी एंड। ईब की बार पूरी 100% आप देख लेना 6 तारीख को 1,00,000 वोटों से अरविंद शर्मा जी कोसड़ी से जीत के निकलेंगे 4 तारीख को। जाट है ना वो दीपेंद्र की वोट देगा, हम जाट हैं, किसान हैं, खेती करने वाले, और 40-45% जाट अरविंद शर्मा जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये अफवाह फैलाया जाता है। इतना बढ़िया काम इस मोदी ने कर दिया ना जनता का, इतना कोई दुनिया में कर नहीं सकता ना भाई। काम हुड्डा साहब ने भी करे, कुछ नहीं करा हुड्डा ने, क्या करा हुड्डा ने, हमारी धरती खरीदी है, हमारी 16,00,000 की लेकर 54,00,000 की बेची है। राम 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 भाई, बहुत बढ़िया भाई। भाई आज ये प्रोग्राम था कितना कामयाब रहा, कितना बहुत बढ़िया, 1000% कामयाब है भाई। 1000%? हाँ जी। कोसली तेवकर लीड कम रहोगी? कोसली तो भाई पिछली बार तो सवाई लीड है, 1,00,000 वोटों से लीड रहेगी कोसली से भाई, 1,00,000 से ज्यादा वोटों की जीत रहेगी। सरपंच गांव उषमापुर से वर्तमान सरपंच होगी। ईब की बार पूरी 100% आप देख लेना 6 तारीख को 1,00,000 वोटों से अरविंद शर्मा जी कोसड़ी से जीत के निकलेंगे 4 तारीख को 25 तक। खबर चले हैं कि भाई अब की बार तो 75,000 की लीड नहीं होगी, 85,000 की होगी, 1,00,000 से ऊपर की लीड होगी। रविंद्र जीत के आने का क्या? बहुत ज्यादा प्रभाव है जी, बहुत इससे तो ये समझ लो 2,00,000 हो गई है जी। रविंद्र बिल्कुल, राम साहब तो राजा है यहाँ के, अरुण के कहने पे हर एक आई रोच 36 बरादरी कोई हो उनके एक ही सारे पे पूरा की पूरी 100% वोट डालेंगे। इतना फर्क रविंद्र जी, वो बड़े नेता है, दक्षिण हरियाणा के बहुत बड़े नेता है राव साहब, बहुत ही प्रभावी नेता है राव भाई। राव अफवाह फैला रखी है भाई, जो आया एम्स लाया, जो जाट है ना वो दीपेंद्र की वोट देगा, हम जाट हैं, किसान हैं, खेती करने वाले, और 40-45% जाट अरविंद शर्मा जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये अफवाह फैलाया जाता है। भारत माता की जय, अफवाह जाती नरेंद्र मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की भारत के ये मजबूत से कुछ भी ना है, कुछ नहीं खू गया हुड्डा रोचक है, उड़ गया हुड्डा, खत्म हो लिया इनके पास ना, पर कुछ खत्म, ये खत्म हो लिए सांगी में भी खत्म है। अरविंद शर्मा 400 पार, पुड़िया पार वोट नहीं जाएगी, पुड़ियो खागो, पुड़िया ने खागो हुड्डा और दीपेंद्र, 3 साल हो लिया या फोटो देख लेना, ये फोटो वालों जय करे कोई में करे वो तो ये पुलियो पुलियो खानी आजी मैं चल लो खागा जाट नहीं ललकार है। अब की बार मोदी फिर सरकार है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 400 पार है हरियाणा की 10 के 10 सीट नरेंद्र मोदी की, अब की बार या बात पूछ आती है पुलियो खाएगा तुम पुलिया उड़ाना बड़ा से सारा खा रहा कैसे
भाई जो आज का कार्यक्रम है इसमें हमारे भारत देश के जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे और उनके साथ में इस कोसली हलका की बल्कि पूरे दक्षिणी हरियाणा की आन बान और शान राव इंद्रजीत आए थे, बाबा बालक नाथ जी आए थे। आज ये देखा हमने माहौल, शायद ही राव इंद्रजीत के बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा की जीत होगी हरियाणा में दूसरे नंबर की, आज दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर की भाई राव इंद्रजीत के बाद जीत होगी तो डॉक्टर अरविंद शर्मा की होगी। राव इंद्रजीत इस एरिया के दिलों में और दिमाग में जमा हुआ है, मसीहा है, गरीबों के मसीहा है, हर वक्त इस जनता के लिए तत्पर अड़िग खड़े रहते हैं। देखो भाई राव इंद्रजीत का इतना इफेक्ट है, लोगों में पूछा लोगों से कि भाई राव इंद्रजीत यहाँ पे आए क्या कितना फर्क, बोले जी राव इंद्रजीत का उतना ही फर्क होता है, मैं घर पे बैठ के भी यहाँ को समर्थन दे दे तो भी काफी था, वे यहाँ पे आए बहुत बड़ा और भाषण दे दिया, इस और ऊपर कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो एक तरफा आज डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में कह दिया, अगर भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा को राव इंद्रजीत मान के ही इसको अपनी वोट दे दो तो सारे जो कोसली हलका है आज वो कति पहली बार 75 था, अब की बार लाख से भी ऊपर 1.25 लाख तक पहुंचा, जीतेगा 1,25,000 दे बिना पर्ची बिना खर्ची, सिर्फ खट्टर सरकार ने दी है और इसके बाद अभी मोदी सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए युवाओं के लिए और आने वाले टाइम में अभी SSC की भी भर्ती निकली है जिसके अंदर बहुत हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के युवा खास तौर पर पढ़े लिखे लगने वाले हैं और आज ये रैली थी इसके अंदर इंद्रजीत ने भी काफ़ी अच्छा इधर आकर किया, इससे वोट है काफ़ी कम से कम 2-2.5 लाख से अरविंद शर्मा जीतेगा। भाई साहब 10 साल की उम्र बता दी गरीबा की मोदी सरकार ने, सच्चाई है, सच्चाई है 10 साल की उम्र बता दी, मैं तो अपने पर वो करता हूँ 10 साल की उम्र बताई है मोदी, आयुष्मान कार्ड बना दे दिया, इतना बढ़िया काम इस मोदी ने कर दिया ना जनता का, इतना कोई दुनिया में कर नहीं सकता, करता ना भाई कुछ नहीं करा हुड्डा ने, क्या करा हुड्डा ने, हमारी धरती खरीदी है, हमारी 16 लाख की लेकर 54 लाख की बेची है हुड्डा ने, योगी सरकार फ्लाईओवर की बनाओ भाई साहब, हुड्डा सरकार में बनाया था वो, अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया हमारे के लिए, विनाश करे सो भाई दोनों बाप बेटा ने, इरवाल क्षेत्र को विनाश करो दोनों बाप बेटा नहीं, यो पुलियो रहो शिशो, देखो नौकरी सारी रोहतक में गई, सारी जो भी कंपनी वगैरह सब की भी रोहतक में गयो, इरवाल क्षेत्र को किसान ना खातर तो कांग्रेस ठीक थी, ना 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 मोदी के जी सरकार नहीं होनी रहा क्या है भाई, भाई बटन दबा के खेत में जाओ और फिर घर ना हो, इतना बिजली गोली 24 घंटा बिजली, 14 फसल जी, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं सारे, एक बात कहूंगा हरियाणा में बज गया बैंड और बाबू बेटा कर देंगे दी एंड, तो भाई ये तो अच्छा, तो भाई ये वीडियो फिलहाल 400 पार मोदी सरकार, ऐसा है जी जो BJP पार्टी की जो नीतियां हैं, अगर हम एक सरकार की तुलना करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में जो हमारे अपोजिशन पार्टी में हम रोहतक लोकसभा से हैं जी और रोहिवें के रहने वाले हैं, तो जो दीपेंद्र भाई साहब लड़ रहे हैं और जो अरविंद जी लड़ रहे हैं, एक तो होती है व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए, एक होती है राष्ट्रहित के लिए, तो जो भी राष्ट्रहित की बातें सोचता है वो BJP सरकार को मत देगा, ये सीधी सी बात है जी। अब कह देते हैं किसी से हम पूछते हैं कि कांग्रेस वाले कह देते हैं 370 का हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमारा फ़ायदा हो या ना हो लेकिन जो देश को फायदा हुआ है हमें उस मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि अपना व्यक्तिगत फायदा देखना चाहिए, राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा जो भाई साहब ने कहा है कि सबसे पहले देश है भाई, देश के लिए मोदी और भारतीय जनता पार्टी हमारे दिल में बसी हुई है और भाई हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ से जीते, ताकि मोदी के हम साला गांव से हैं, पास में ही कोसली के 70 बच्चे लगे बिना खर्ची बिना पर्ची के, आबादी हमारी गांव की 7-8 हज़ार, बिल्कुल बिना खर्ची बिना, अभी तो रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, 4 लगे 1 क्लास ऑफिसर, किसी कोई दलाल नहीं, कोई पैसा नहीं, SCS सर, अरे SDO बिजली विभाग में लगे हैं 2, हाँ बिना, तो ये है व्यक्तिगत फायदा कोई नहीं, देश प्रथम भाजपा प्रथम, तय भाजपा जय भाजपा। भाई जूती तोड़ने की जरूरत ना पड़े इस सरकार में, दलाल खत्म हो गया,
नेता द्वारा भी जाने की जरूरत कौन है। बालक जो इंटेलिजेंट से फेर सब फेर काम हो रहा है बिल्कुल करीम बालक लिखने करीम बालक मैं राविंदर जी जी आए नितिन गडकरी आए और बालक नाथ आए उनका इफेक्ट कितना पड़ेगा? ओहो भाई साहब बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सोने पे सुहागा होगा बिल्कुल इन सोने पर सुहागा होगा। नरबीर सिंह भी नेता हैं जी जो कोसली से जुड़े हुए हैं उनका भी यहाँ बड़ा असर है। राव नरबीर सिंह एक्स मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं उनका भी यहाँ खासा प्रभाव है। तो ये सभी भाजपा के नेता हैं दिग्गज नेता और भाई सब भाजपा को यहाँ से लगभग लोग मन बना चुके हैं जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ। रविंद्रजीत सिंह जी का यहाँ क्षेत्र विधानसभा रहा है उनका और राव साहब के आने से डॉक्टर अरविंद जी को बहुत फायदा है और कम से कम कोसली 1 लाख से ऊपर के लीड देने जा रही है और अच्छी बड़ी जीत होगी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की और राव साहब आने से मजबूती मिली है। राव साहब की डिमांड राम राम साहब। अच्छा आप नाजु कार्यक्रम देखा? बिल्कुल देखा। इस कार्यक्रम का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा और कितना पड़ेगा और किस लिए पड़ेगा? इफेक्ट तो सारा ही पड़ गया पहले भी था लेकिन अभी तो और जोरदार हो गया एक तरफा 100% स्टैंप लग गए। राविंदर जी तो दूरी बना रहे हैं अरविंद शर्मा से। वो आपने अभी सामने सुन लिया होगा कि राव साहब ने कैसे बोला है कि ये भी है और अभी मोदी जी आ रहे हैं पार्ली में वहाँ भी है तो ये तो सारी अहिरवाल की जितनी भी सीटें हैं ये सारी की सारी बीजेपी के खाते में जानी है नरेंद्र मोदी के साथ में जाएंगी। हुड्डा साहब से क्या परेशानी? परेशानी सबको मोदी दिख रहा है मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है सबको यही दिख रहा है कि जो मोदी यदि हमारे ऊपर है सरपरस्त है तो हमारा देश सुरक्षित है ये आवाम सुरक्षित है इसलिए सब मोदी जी को देख रहा है। जी सर क्या कहना चाहोगे आज का कार्यक्रम तो आपने देखा है जनता की आवाज़ भी देखी है आपने ठीक है। अब की बार पहले तो 75,000 से जीता था अब की बार 1 लाख पार यहाँ कोसली हल्के से 1 लाख पार जाएगा। और पूछो क्या बताऊंगा बस ये पूछना भी पहले ही क्या करते 50,000 की लीड रहेगी 40,000 की रहेगी 30,000 की रहेगी ये 4 दिन में अभी 4 दिन बाकी है ना अभी 1 लाख से ऊपर जाएगी ये। तो भाई यहाँ पे राव इंद्रजीत का इतना इम्पैक्ट है जब राव इंद्रजीत का नाम यहाँ पे आए भी नहीं थे राव इंद्रजीत से का नाम लिया गया स्टेज पे भाई आज यहाँ पे राव इंद्रजीत जी आओगे हुटिंग थी क्लैपिंग थी नाम आया महंत बाबा बालकनाथ का पूरा क्राउड था और भाई ये इफेक्ट है यहाँ पे और इन्हीं की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे बालकनाथ आ जाओ राविंद्र जीत साहब आ जाओ वे आ गए अब उसके बाद कोई किंतु परंतु यहाँ पे है नहीं भाई। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे तब तक ले धन्यवाद जय हिंद भारत माता की जय थैंक यू भाई।